हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आज की वीडियो में रेसिपी है ये मज़ेदार और बेहतरीन मटन वाइट स्टू बनाने की, जिसको आप मेरे बताए हुए मेथड से जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका कलर एकदम डार्क नहीं हुआ है, जो कि अक्सर हो जाता है जब हम घर में मटन स्टू बनाते हैं, और इसका टेस्ट एकदम उसी तरह का है जैसे हम अक्सर शादियों में या दावतों में खाते हैं। एकदम आसान सी रेसिपी है और बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मटन ले लिया है, मिक्स पीसेस हैं ये, और एक प्रेशर कुकर में मैं इसको ऐसे डाल दूंगी। आप इसमें ये देखेंगे कि कितनी सिंपली बन जाता है, और इसमें सिर्फ एक या दो ऐसी ट्रिक्स हैं जो हमें यूज़ करनी है ताकि इसका कलर एकदम अच्छा रहे। आधा किलो मटन में मैंने 700 ग्राम प्याज डाले हैं, प्याज इसमें थोड़े ज्यादा ही डालेंगे, बारीक कटे हुए। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा गरम मसाला। तो मैंने लिया है एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, एक स्टार एनीस, 10 ली है मैंने लौंग, 10 ली है काले मिर्च, और एक मैंने लिया है जावित्री का टुकड़ा। इन सभी चीजों को इसमें डाल दिया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक टेबलस्पून भरकर जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और अब हम इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। तो इनिशियली आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली इन सभी चीजों के साथ हमें इस मटन को कुक होने के लिए रख देना है। एक टीस्पून मैं यहां पर डालूंगी भरकर नमक, और अब हमें इसमें पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि जो प्याज है और जो मटन है वो काफी पानी खुद ही रिलीज करता है। बस इसको थोड़ा सा मिक्स करें। जब आप देखें कि थोड़ा सा गर्म होने लगा है और इसमें स्टीम अच्छे से क्रिएट हो गई है तो इसको ढक दें और हाई फ्लेम पर दो विसिल, और उसके बाद 5 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर हम रखेंगे। उसके बाद इसे नेचुरली इसका जब प्रेशर रिलीज हो जाएगा तब मैंने इसको खोला और अब मैंने इसकी गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब आप ये देख रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा काफी इसमें पानी है और जो मटन है वो भी हमारा 80% तक कुक हो गया है। तो अभी आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है जब तक आप देखें कि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो थोड़ा ड्राई हो गया है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर 10 मिनट मैंने इसकी भुनाई करी है और ये देखिए एक्स्ट्रा पानी काफी हद तक ड्रेन हो गया है, मटन भी कुक हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 कप दही। इस तरह से ये मैंने घर का दही है नॉर्मल, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, और अगेन अब हमें इसकी थोड़ी सी करनी है भुनाई। अगर आपको लगे कि मटन अभी कुक नहीं हुआ है तो दही डालने से पहले थोड़ा सा आप इसमें एक विसल और लगा दें, लेकिन जब आप उसे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट छोड़ेंगे और प्रेशर उसका नेचुरली रिलीज करेंगे तो मटन कुक हो चुका होगा। तो अब हमने इसकी अच्छे से करनी है भुनाई। देखिए यहाँ पर दही भी खूब सारा पानी छोड़ेगी तो उसको थोड़ा ड्राई करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें ड्राई नहीं करना है क्योंकि उसी से स्टू की ग्रेवी भी आएगी। अब इस पॉइंट पर जो ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है इसकी कुकिंग की, अब मैंने इसमें डाला है 2 टेबलस्पून भरकर काले मिर्च। तो काले मिर्च अगर हम पहले डाल देते हैं तो स्टू का जो कलर है वो डार्क हो जाता है, तो काले मिर्च का पाउडर डालने के बाद हमें इसको कुक ज़्यादा नहीं करना है, ये एंड में ही डालना है जब ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो। मिर्च के साथ साथ मैं इसमें अब डालूंगी 3 टेबलस्पून देसी घी। इस स्टू का टेस्ट घी से ही अच्छा आता है, प्लीज़ आप इसमें यही यूज़ कीजिएगा। इसमें रिफाइंड ऑयल या किसी भी तरह के ऑयल का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इसमें आपको असली घी ही यूज़ करना है। बस अब हमने इसको मिक्स कर दिया। फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखी हुई है और अब हमें इसे तब तक भूनना है जब तक ये घी है थोड़ा जो सरफेस पे आ जाए। इसकी सीजनिंग को इसी पॉइंट पे चेक कर लें, ये हमारा अब ऑलमोस्ट बस कुक ही हो चुका है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर 3-4 मिनट हमें लगेंगे बस, और आप देखेंगे कि इसका ऑयल सरफेस पे आ रहा है, उसी लेवल तक हमें कुक करना है। तो यहाँ आपने देखा कितना आसान है इसको बनाना, और हमें ऐसा लगता है कि स्टूज बनाना बहुत ही कोई टेक्निकल काम है। तो बेसिकली ये है कि मीट और अनियन का रेशियो हमें सही रखना होता है। स्टू में हमेशा देसी घी का यूज़ करें और कलर को मेंटेन करने के लिए ब्लैक पेपर पाउडर डालने के बाद कुकिंग ना करें। तो अब यहाँ पर देखिए घी आ गया है पूरा सर्फेस पर। तो एंड में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा से हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 3-4 मैंने लिया है हरी मिर्च, और थोड़ा सा मैंने डाला है अदरक ऐसे काट कर। इन सब चीज़ों के साथ इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और बस ये मजेदार मटन वाइट स्टू रेडी है। इसको आप रोटी, पराठे या रुमाली रोटी के साथ सर्व करें, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट इसको शीरमाल के साथ खाना है, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही मजेदार लगता है। बनाने में ये जितना आसान है लेकिन टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब बनके तैयार होता है। इस रेसिपी को आप अपनी ईद की दावत में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपके घर में खाने वाले हर किसी को ये बहुत पसंद आएगी। तो बस हमने इसको किया राइट अवे सर्व, एक बार आप भी इसको ट्राई कीजिएगा।
और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक नई आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।